माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य है कि आज गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर हम सब यहाँ पे इतने अच्छे वातावरण में चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके माध्यम से सभी साथियों को, सांसदों को और देशवासियों को हम सब की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट, महामहिम राष्ट्रपति जी और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा का एक तीनों का समागम है। हमारा हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि विश्व की सबसे बड़ी जनतंत्र, लोकतंत्र की जननी में मुझे इस उच्च सदन में अब तीसरे टर्म में सेवा देने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। और जो सीखा, जो समझा, जो काम करने का अवसर मिला, उसके ऊपर आज की जो चर्चा है, ये वास्तव में हम सबको और ज़्यादा उत्साह देगी आगे के लिए भी, कैसे हम देश के निर्माण में अपना अपना योगदान दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारी जो लोकतंत्र है, ये एक प्रकार से प्रेरणादायी है, हम सबको प्रेरणा देती है। हमारा जो संविधान है, ये हम सबको और इच्छा शक्ति देती है। और पार्लियामेंट जो देशवासियों की उमंग है, जो देशवासियों के संकल्प हैं, उसको सादा करने का सबसे सही इंस्टीट्यूशन है। लोकतंत्र को जीवित रखने का, लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का अगर कोई सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, तो वो हमारा संसद है। माननीय सभापति जी, इस देश के जनता, 140 करोड़ लोग हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, उसको सफल बनाते हैं। भारत की जो लोकतंत्र की प्रणाली है, वो स्वदेशी आधार पर बनी हुई है। इसीलिए जब गुलामी से अलग अलग देश मुक्त हुए, तो बहुत कम बड़े देश हैं जो आज भी लोकतंत्र के रूप में है। अधिकांश देशों में लोकतंत्र टिक नहीं पाया, अलग अलग प्रकार की समस्याएं आई, पर इतने बड़े देश में गुलामी के बाद भी लोकतंत्र दिनों दिन मजबूत होते जाना, ये हम सबका सौभाग्य भी है और उसमें दोनों सदनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत, जिसको हम सब लोकतंत्र की जननी मानते हैं, इसमें पुराने वैदिक टेक्स में भी जाते हैं तो वहां भी ये शब्द देखने को मिलते हैं। सभा, समिति, संसद, ये शब्द हजारों साल पहले भारत में कहे जाते थे, इस्तेमाल होते थे, सुने जाते थे। ये सिर्फ हमने शब्द नहीं यहां पे लिए हैं, उसकी आत्मा भी आज सदन में, लोकसभा, राज्यसभा में देखने को मिलती है। और मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा हमें दूर जाने की जरूरत नहीं। अभी अभी माननीय अध्यक्ष G20 की, भारत की अध्यक्षता की सफलता की बात कर रहे थे, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरे विश्व में, कि हमारे लिए देश ही नहीं, पूरा विश्व एक परिवार है और हम सबकी चिंता करने वाला देश है। ये जो भावना लेके भारत की G20 की अध्यक्षता बहुत सफलतापूर्वक अभी अभी समापन हुई है और लीडर समिट समापन हुआ है, और नवंबर 30 को हमारी अध्यक्षता का समय पूरा होगा। हमने अवश्य पूरे विश्व में एक अमीर छाप छोड़ी है, भारत की अध्यक्षता की, भारत के नेतृत्व की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में एक एक्सेप्टेंस बनी है, उनकी लीडरशिप के प्रति जो आस्था देखने को मिलती है, वो पूरे देश को, देशवासियों को गौरवान्वित करती है। माननीय अध्यक्ष जी,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा आयोजित हुई थी उसमें भी जो डिबेट्स हुए थे उसका स्तर बहुत ऊंचा था। बहुत कुछ हमें उसमें पढ़ते हैं तो देखने सुनने को मिलता है। बड़े बड़े लोगों ने उस समय जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स चल रही थी तब कहा था कि दो सदन की आवश्यकता क्या है। बड़े बड़े व्यक्ति जैसे कि माननीय श्री मोहम्मद ताहिर, माननीय श्री शिवन लाल सक्सेना, माननीय श्री लोकनाथ मिश्रा जी ने अपोज किया था कि दो सेकेंड चैम्बर की आवश्यकता नहीं है, एक ही चैम्बर बहुत होगा। लेकिन माननीय श्री गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और श्रद्धे सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी इस बात को बल दिया था, इस बात का समर्थन किया था कि दो सदन होने चाहिए, उच्च सदन का अपना स्थान है। और उसी के बाद अप्रैल 1952 में 1952 में ये सदन बनाया गया और इसकी पहली सभा 13 मई 1952 को हुई। तो एक प्रकार से इस 71 वर्ष का जो प्रवाह है उसकी चर्चा आज हम सब करने वाले हैं। राज्यसभा की समानता ये अपेक्षा थी कि अच्छी चर्चा होगी, अच्छे डिबेट्स होंगे और चर्चा और वार्तालाप के माध्यम से और एक प्रकार से वाद विवाद से ऊपर उठकर देशहित को सामने रखते हुए राज्यसभा चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि हमारी जो भी डिबेट होती है, जो वार्तालाप डिस्कशन डायलॉग होते हैं, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, उन सब में एक चीज कॉमन है, एक चीज पक्की है कि हमारा जो शपथ है, देश की सेवा करने का शपथ और देश के हितों को रक्षा करने का शपथ, हम सब उसको बहुत बल देंगे, सब उसको सर्वोपरि रखेंगे और मैं समझता हूं उसमें हम सभी ने अपना अपना दायित्व अपने हिसाब से निभाया है। इस 71 वर्ष की प्रवाह में कई सारे महानुभावों ने भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए, भारत की लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अपना अपना योगदान दिया। हमारे कई सारे वरिष्ठ चेयरमैन रहे, अध्यक्ष रहे, सभी का नाम ना लूं लेकिन कुछ जो प्रमुख नाम तुरंत ध्यान में आते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जस्टिस हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, श्री के आर नारायण जी, श्री भैरव सिंह शेखावत जी, हामिद अंसारी जी, श्री वेंकैया नायडू जी और अब हमारे वर्तमान में अध्यक्ष श्री जगदीप धनखड़ जी, सभी ने अपने अपने कार्यकाल में इस सदन की गरिमा बनाई, सदन को और नए आवामों पर तक लेके जाने में बहुत अच्छा योगदान दिया। वेंकैया नायडू जी की तो बात याद आती रहती है, तो कई बार व्यंग भी करते थे, कई बार विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते थे। मुझे याद है एक बार उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, पीपल वॉन्ट द हाउस टू डिस्कस डिबेट एंड डिसाइड, थ्री डीज, दे डू नॉट वॉन्ट दी अदर डी, दैट इज डिसरप्शन। और मैं समझता हूँ कि हम सब ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया है कि सदन अच्छी तरीके से चले और सदन में अच्छी चर्चा के माध्यम से हम देश की सेवा कर पाए। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े जनता के प्रतिनिधि, कई सारे हमारे मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं, बहुत वरिष्ठ महानुभावों ने सदन की गरिमा बढ़ाई है और अपना अपना छाप छोड़ी है कि कैसे उनके समय में इस सदन ने काम किया। आज भी हमारे जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, एक से बढ़ के एक, अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने बहुत देश सेवा की है, बहुत बड़ा योगदान किया है। और मैं समझता हूँ ये भी इस सदन की एक विशेषता है कि अलग अलग प्रकार से, चाहे वो खेल की दुनिया से हो, चाहे आर्टिस्ट हों, फिल्म की दुनिया से, म्यूजिक की दुनिया से, ड्रामा की दुनिया से, अलग अलग बड़े बड़े महानुभाव ने इस सदन में की गरिमा बढ़ाई है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन ने बहुत सारे बड़े फैसले भी लिए हैं जो जिंदगी भर और देश के लिए बहुत
अहम भूमिका निभाते हैं और शायद सदियों सदियों तक याद रखे जाएंगे। कई सारी डिबेट्स, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग डिबेट्स भी सदन में हुई हैं, चाहे वो अटल जी, अडवाणी जी, सुषमा जी की डिबेट्स हों यहाँ पे, चाहे वो डॉक्टर करण सिंह जी या वीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी या हमारे वर्तमान में सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर श्री देवेंद्र गौड़ा जी की हो, अलग अलग बहुत महत्वपूर्ण डिबेट्स में बड़े बड़े महानुभावों ने भाग लिया है। कई बार बड़ी फियर्स डिबेट्स होती थी, वाद विवाद भी बढ़ जाता था, लेकिन साधारणता बहुत गंभीर वाद विवाद में भी मौका लेके ये रहता था कि कैसे न कैसे हम सब मिलके काम करें। एक बार एक बहुत गर्मा गर्मी की डिबेट में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक आह्वान दिया था कि हम सब राजनीतिक दल मिलजुल के काम करें, अपने अलग अलग जो सोच है, विचारधारा है, उसको रखते हुए भी हम रास्ता ढूंढ के इसमें से आगे चलें और देशहित और जनहित के लिए हम अपना अपना काम करें। मुझे याद आते हैं माननीय अध्यक्ष जी, एक सदस्य थे सीपी कम्युनिस्ट पार्टी के, श्री पी राजीव, फिर जाके केरल में मंत्री बने, सीपीआईएम के बड़े वरिष्ठ नेता थे, बहुत ही अच्छी तैयारी करके आते थे सर, और नई नई चीजें जो लगभग हम में से कई लोगों को ध्यान नहीं था कि इस सदन की भी अधिकार क्षेत्र में पड़ती हैं, ऐसे ऐसे नए नए विषय कई बार श्री पी राजीव लाते थे। मैं उनको अभी भी मिलता हूँ तो आनंद आता है, चाहे केरल में हो, चाहे कभी वो दिल्ली आए। और इसी प्रकार से अगर हम सब एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं, हमारे में मतभेद हो सकता है, पर अगर हम मतभेद से ऊपर उठें और मतभेद को शालीनता के साथ रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे पुराने सदस्यों ने यहाँ पे एक हमें उदाहरण के रूप में अच्छी अच्छी बातें दिखाई, और वर्तमान में भी सदस्य एक प्रकार से मिलजुल के काम करने के पूरा कोशिश करते हैं, ये देश को तेज गति से आगे लेके जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने 1955 में एक बात रखी थी और मैं कोट करना चाहूंगा, ये 1955 की बात है, यानी वी आर लगभग 68 साल पहले की बात, आज भी इस सदन में गूंजे तो कितनी रेलेवेंट होगी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, वी वॉन्ट टू मेंटेन गुड नेम एंड डिग्निटी ऑफ दिस हाउस, आई डू नॉट वॉन्ट इट टू बी सेट दैट समटाइम्स दीज डिस्कशंस सजेस्ट दैट वी आर नॉट बिहेविंग लाइक सीरियस रिस्पॉन्सिबल MPs, बट रादर लाइक इरिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल एजिटेटर्स। अलग अलग तरीके से अपने वरिष्ठ नेताओं ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है, लेकिन मेरा विश्वास है कि हम सब की भावना और हम सब का मन यही बोलता है कि सदन अच्छी तरीके से चल के इस देश में नई नई चीज़ें कैसे इस देश को और आगे बढ़ाएं। इस अमृत काल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक आह्वान दिया है कि भारत एक विकसित देश बने, उसमें हम सबका अपना अपना रोल रहेगा। विपक्ष का भी उतना ही अहम रोल है कि वो नियंत्रण में रखे सरकार को, सरकार का रोल है कि वो नए नए कानून, नए नए योजनाएं, नए नए तरीकों से देश की दिशा और दशा आगे बदले, और मुझे लगता है कि सभी माननीय सदस्य भली भांति अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का पूरा प्रयास कर भी रहे, आगे भी करते रहे। कई बार अगर मेमोरी में जाए तो अटल जी की जो कविता सुनाने की आदत थी, कई बार वो कविता में चल पड़ते थे। माननीय अरुण जेटली जी जो लीडर ऑफ द हाउस भी रह चुके हैं, उसके पहले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी रह चुके हैं, उनका कटाक्ष बड़ा शार्प होता था और अपने तरीके से बहुत विटीली, बहुत अच्छी तरीके से वो विषय को रखते थे। जैसे उन्होंने कहा था, दिस इज द न्यू नॉर्मल, इस प्रकार के अलग अलग उनके भी हमारे पास बहुत सुंदर यादें हैं। माननीय वेंकैया नायडू जी के तेलुगु में प्रोवर्ब्स देने की आदत थी, बीच बीच में वो याद करते थे। माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी शेर व शायरी में
काफी माहिर थे, निकल पड़ते थे। कई बार माननीय खड़गे जी भी आजकल शेरो शायरी बहुत करने लग गए हैं। पर ये सदन की गरिमा रही है कि हम सब कई बार गर्मा गर्मी में भी विषय को बहुत सुंदर तरीके से संभाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसी से लोगों का दिल भी जीतते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुलाम नबी आजाद जी को उनकी टर्म खत्म होने पर फेयरवेल स्पीच में याद किया था, उन गुलाम नबी जी का और प्रणब दा का, माननीय पूर्व महामहिम राष्ट्रपति जी श्री प्रणब मुखर्जी जी का जो काम सरकार में रहते हुए, एक विपक्षी सरकार गुजरात में थी उस समय भी किस प्रकार से उन्होंने गुजरात के लोगों को कश्मीर से पुनः वापस जाने के लिए मदद की जब आतंकवाद चरम सीमा पे था, उस समय के जो अनुभव प्रधानमंत्री जी ने यहीं से बताए थे, एक प्रकार से हम सबको एक संदेशा देता है कि हमने सबने अच्छी बातें याद करके अच्छी चीजें करने के लिए अपना अपना प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तो वास्तव में ये भी कहा था कि मैं सल्यूट करता हूँ गुलाम नबी आजाद जी को और आगे भी मैं आपसे सलाह मशवरा करते रहूँगा। और यही एक मित्रता की भावना से हम सभी, सत्ता दल या विपक्ष, इस मित्रता की भावना से आगे भी काम करते रहेंगे, ये हमारा सबका विश्वास है। और एक प्रकार से सदन की गरिमा उसी में होगी कि हम देशहित और जनहित को अगर सर्वोपरि रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से सदन की भी गरिमा बढ़ते जाएगी और अच्छा काम होते जाएगा। वैसे मुझे याद आता है जब मैं पहली बार मेडन स्पीच देने के लिए उठा था, मैं नया नया सदस्य था, जुलाई 2010 की बात है, और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जहाँ अब बैठे हैं उसी के बाजू में नासिर हुसैन की सीट पे, जहाँ तक मुझे याद है, मैं वहाँ पे बैठा था और माया सिंह जी हमारी चीफ व्हिप थी, आई बोला कि परसों तुम्हें IRDA और SEBI का कुछ वाद विवाद चल रहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और प्रणब दा वित्त मंत्री थे, तुम्हें उसकी डिबेट को शुरू करना है। और मैं एकदम हैरान हो गया, दो ही दिन हुए थे मुझे सदन में आए, शायद तब तक तो कुर्ता पजामा और जैकेट भी नहीं सिलवाया था, जब माया सिंह जी ने कहा कि दो दिन बाद तुम्हें ये डिबेट शुरू करनी है। और मैं भी थोड़ा परेशान हुआ, मैं उसी दिन रात को मुंबई गया क्योंकि सब्जेक्ट भी मेरे लिए नया था, इंश्योरेंस या के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, SEBI तो समझता था फिर भी, तो वाद विवाद समझने के लिए पूरे दो दिन, उस दिन से लेके अगले दूसरे दिन तक दिन रात रिसर्च करते रहा और पूरी समझी के क्या ये विषय है, क्या समस्या है, क्या विवाद है। और इसके मुझे फायदा भी हुआ, उसमें मुझे कई चीज़ें मालूम पड़ी कि जो निजी इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसीज होती हैं वो कैसे एक तरफा होती थी उस समय, मुझे विश्वास है अब तो बहुत बदलाव आ गया होगा, पर नई नई इंश्योरेंस कंपनीज आनी शुरू हुई थी और एक तरफा पॉलिसीज होती थी, तो उसका मुझे व्यक्तिगत लाभ तो ये हुआ कि मैंने कई मेरी पॉलिसीज कैंसिल कर दी जो निजी कंपनियों की ली हुई थी, जब ध्यान में आया कि कैसे वो हमारे खिलाफ, उपभोक्ता के खिलाफ जाती थी। और फिर मैंने मेडन स्पीच जो दी, उस समय मेडन स्पीच में समय का सीमा नहीं होती थी, तो काम लगभग 30-40 घंटे मेहनत करके पढ़ाई की थी, तो स्पीच भी लंबी चली, लगभग 40-42 मिनट तक मैंने अपनी बात रखी। पर उसका इतना समाधान मिला जब उस समय के माननीय वित्त मंत्री ने उस स्पीच के बाद जब डिबेट पर रिप्लाई कर रहे थे, एक प्रकार से कुछ वाक्य लेके, मैं वाक्य पे तो नहीं पूरा पढ़ना चाहूँगा, पर उन्होंने जिस प्रकार से मुझे अप्रिशिएट किया, जिस प्रकार से मुझे एनकरेज किया, वो वास्तव में मेरे लिए, मेरे स्मरण में जिंदगी भर रहेगा। और उस समय उनकी बात में जो भाव था, जो एक प्रकार से एप्रिसिएशन में उन्होंने कहा कि
जिस प्रकार से मैंने विषय को रखा था मेरी मेडन स्पीच में और पूरे सब्जेक्ट को स्टडी किया था, वो आगे चल के मुझे पार्लियामेंट की सेवा करने में मदद करेगा। उन्होंने यहां तक कहा था, दिस इज द चेंबर, दिस इज द सिस्टम वेर वी एग्री टू डिसएग्री, देर विल बी डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज, देर विल बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, एंड थ्रू दीज डाइवर्जेंसेस, थ्रू दीज डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, थ्रू डिस्कशन वी विल अराइव एट अ सोल्यूशन। ये उनका वाक्य मेरे लिए जिंदगी भर एक प्रकार से दिशा दिखाता है कि कैसे हमने आगे चल के अपनी अपनी बात भी रखनी है, दूसरों की बात से भी सीखना है। मुझे याद आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं सामने, एक बार एक कैश फॉर वोट्स का स्कैंडल हुआ था, उसके ऊपर बड़ा गंभीर चर्चा भी चल रही थी, तो माननीय मनमोहन सिंह जी ने उर्दू के शायर मिर्जा गालिब जी को कोट किया था, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। और उसी समय तुरंत माननीय सुषमा स्वराज जी जो उस तरफ बैठी थी, उन्होंने जवाब में कहा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये जो भावना थी दोनों तरफ, ये वास्तव में सदन की गरिमा बढ़ाती थी, और ये है जो छाप मैं समझता हूँ, जो यादें हम यहाँ से लेके जब नए सदन के नए प्रांगण में जाएंगे, नए वास्तु में जाएंगे, तब ये यादें लेके मैं समझता हूँ हम सभी प्रयास करेंगे कि और अच्छे तरीके से हम आगे अपना अपना काम कर सकें। अटल जी ने एक बार मई 1996 में अपने भाषण में, एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण में कहा था, सत्ता का तो खेल चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हम सब ने कभी ना कभी रिकनसाइल करना पड़ेगा कि परिस्थितियां बदली है, और हम कोई भी एंटाइटल नहीं। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कई जगह पे देखने को मिलता है, कई जगह पे अनुभव होता है, उससे जब देश उठेगा तो मैं समझता हूँ हम सही माने में देश की सेवा में और अच्छा काम कर सकेंगे। छोटी छोटी प्रतीक होते हैं, जैसे लाल बत्ती खत्म कर दी गई थी सब मंत्रियों की, छोटे प्रतीक लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देश को कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट किसी के लिए भी इस देश में अब नहीं चल सकता। 2014 में हमारी सरकार बनी, वो भी एक ऐतिहासिक मौका था, क्योंकि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ देश ने चुन के भेजी थी, कई सारे बड़े लैंडमार्क लेजिस्लेशंस पास किए गए हैं सदन में 2014 से अभी तक, जिसका देश की विकास यात्रा में और सामाजिक समरसता, समाज को और आगे लेके जाने में बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ कोई भी इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि 9 वर्ष का समय एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव, देश के बदलाव का समय रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी के नेतृत्व में, और हम सब ने एक प्रकार से उस प्रवाह में 100 वर्ष लोकतंत्र के मनाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जब हमने 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त करने का एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय सदन में लिया, सही माने में एक प्रकार से देश को जोड़ने के लिए, देश को एक बनाने के लिए, जिस देश में हमारी सबकी इच्छा थी कि एक संविधान रहे, एक ही कानून व्यवस्था रहे, कानून व्यवस्था सभी के लिए सामान्य रहे, और जो जो लाभ देश के अन्य इलाकों में लोगों को मिलते हैं वो हमारे कश्मीर के भाई बहनों को भी मिले, उसके लिए एक बहुत अहम कदम इस सदन से शुरू हुआ था और फिर यहां से लोकसभा में गया। 5 अगस्त 2019 का वो दिन इस सदन के लिए एक बहुत ही यादगार और ऐतिहासिक दिन सदैव रहेगा। एक प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो देश की एकता और एकजुटता को मजबूत करने का
तीव्र इच्छा शक्ति थी, इच्छा था, काम था और प्रयास था, उसको हमने उस दिन पूरी तरीके से संपन्न करके देश को एक बनाने का काम पूरा किया। वैसे तो जब आर्टिकल 370 लगाई था तभी उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने इच्छा जाहिर की थी कि ये तो टेम्प्ररी प्रोविजन है, कुछ वर्षों में निकल जाएगा और कुछ समय लगेगा जम्मू कश्मीर को अपना खुद का भविष्य भारत के साथ अच्छी तरीके से बनाने में। वो कुछ समय थोड़ा लंबा समय हो गया, पर हम सबके लिए आनंद की बात है कि हमने वो निर्णय 2019 में लिया। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ ऐसी चीजें ध्यान आती है जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड बनाने का विषय था, कितने सुंदर तरीके से लगभग सबकी सर्वसम्मति से और एक साथ मिलजुल के ये तीन नए राज्य बने, तीन नए राज्यों को एक अपना अपने आगे का भविष्य तय करने का मौका मिला और कंसेंसस के साथ पीसफुली ये डायलॉग और डिस्कशन के माध्यम से ये तीनों राज्य बने। थोड़ा बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कुछ कई ऐसे विषय होते हैं जहाँ पे हम ऐसी सर्वसम्मति नहीं बना पाते और मैं समझता हूँ कि उसमें भी हम शालीनता से अपनी अपनी बात रख के आगे चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे याद है मैं भी इस सदन में था जब तेलंगाना का नया राज्य बना, वो दृश्य शायद एक भद्दे के रूप में, एक बहुत खराब उदाहरण के रूप में इस देश के स्मरण में रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे कभी हमारे नए भवन पे कभी ऐसा दृश्य देश और दुनिया को देखना ना पड़े। माननीय अध्यक्ष जी, 2017 में एक ऐतिहासिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिससे वन नेशन वन टैक्स स्थापित हुआ और ये इसलिए ऐतिहासिक कहता हूं क्योंकि लगभग एक प्रकार से इसमें भी सर्वसम्मति से बना था, पूरे देश की सम्मति, देश के हर राज्य ने इसमें अपना अपना सहयोग दिया और वी आर द हाउस ऑफ एल्डर्स रिफ्लेक्टिंग द स्टेट्स विशेस एंड डिजायर्स। तो इस प्रकार से सभी राज्य मिलके हमारे पास ये प्रस्ताव लाए और वो जो 2017 का दिन है, ऐतिहासिक मिडनाइट सेशन 30 जून 1 जुलाई की रात को 2017 में सेंट्रल हॉल में हुआ और आज उसका लाभ पूरा देश अनुभव भी कर रहा है, व्यापार उद्योग को नया बल मिला है, बहुत तेज गति से देश आगे बढ़ रहा है। कई सारे ऐसे निर्णय जो बहुत महत्वपूर्ण रहे, एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस, वो एक विषय रहा है जिसमें अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे और पार्लियामेंट ने उसको पास करके एक बड़ा अच्छा संदेश दिया। इसी प्रकार से ट्रिपल तलाक को जब क्रिमिनलाइज किया, उसका कानून 2019 में लाया गया, हमारी बहनें माताओं को अपना सम्मान मिला और एक बड़ा सिग्निफिकेंट रिफॉर्म का मेजर था जिसने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए अपना अपना योगदान दिया है। और इसी प्रकार से हमारी महिलाओं के सम्मान के लिए ये सरकार तत्पर रही है और लगातार एक के बाद एक 9-9.5 वर्षों में इतने सारे बड़े निर्णय हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए, हमारे बेटियों के लिए इस देश में किए गए हैं। राइट फ्रॉम द डे वन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके आज तक और भविष्य में भी भारत हमारे बहनों को और अच्छा सम्मान मिले और अच्छा स्थान मिले। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बड़े पैमाने में बहनें काम में आ रही हैं, दे आर ज्वाइनिंग द वर्कफोर्स और भारत की अर्थव्यवस्था में भी और भारत की आगे के भविष्य में उनका योगदान बढ़े, ये मुझे लगता है हम सबका प्रयास है, हम सबका इच्छा भी है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ थोड़े खराब हमारे सामने उदाहरण भी हैं जिससे सीखने को मिला, जैसे पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उससे हम सबको और ज़्यादा चौकन्ने रहना पड़ेगा और सुरक्षा के जो प्रयास किए जाते हैं, सुरक्षा कर्मी जो अपना काम करते हैं, सुरक्षा हमारी और हमारे देश की आन बान और शान संभालने के लिए जो सुरक्षा कर्मी काम करते हैं, मैं समझता हूँ उसमें हम सबका भी योगदान हो, हम भी कोऑपरेट करें और हम भी थोड़ा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से ऊपर उठ जाएं तो शायद
हमारी भी सुरक्षा और देश के सम्मान की सुरक्षा और अच्छी हो पाएगी और 2001 जैसे अटैक कभी नहीं आ पाएंगे। उसके बाद हमने एक पूरे देश को संदेश, एक यूनिटी का संदेश तो दिया कि हमारा लोकतंत्र को कोई हरा नहीं सकता, आर डेमोक्रेसी इज इनविंसिबल। परंतु मुझे लगता है इसको पुनः हम स्मरण करते रहे और आगे भी कभी हमारे देश की एकता और एकजुटता पे कोई आहत नहीं आए, ये हम सबका सामूहिक प्रयास रहना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक बहुत आत्मविश्वास के साथ बहुत तेज गति से विकास की प्रवाह में आगे बढ़ रहा है। इसमें कई सारे मौके आते हैं हम सबको, जिसमें एक आवाज से देशहित और जनहित को हम आगे लेके जा सकते हैं। और मैं समझता हूं जो हमने पुराने लेसन सीखे हैं उससे हमें आगे के भविष्य को बनाने में और अच्छा बल मिलेगा। जैसे कि जब इमरजेंसी आई थी और एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र के कई सारे प्रावधान रोक दिए गए थे, उन पे अंकुश लगा दिया गया था, तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया गया संघ को कैसा चढ़ा जनून। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत वेकअप कॉल था पूरे देश के लिए। कई सारे हमने इसमें से सबक सीखे और आगे चल के जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको भी फिर पुनः बदला गया। 44th अमेंडमेंट 1978 में आने से 1978 में जो फंडामेंटल राइट्स हमारे अधिकारों के ऊपर जो अंकुश लगा था उसको पुनः एक बार स्थापित किया गया। और बाद में तो कई सारे मौके आए जिसमें सदन ने भी और कोर्टों ने भी भारत की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे आज़ादी के, हमारे संविधान के, उसको कोई आहत ना पहुंचे उसके लिए कई सारे कदम हम सब ने और देशवासियों ने उठाए। माननीय अध्यक्ष जी, कई सारे ऐसे कानून थे जो पुराने गुलामी के समय से चले आ रहे थे, हम एक प्रयास कर रहे हैं कि उन कानूनों को भी बदला जाए, उनको कंटेम्प्ररी आधुनिक बनाया जाए, आज के बदले हुए परिपेक्ष में कैसे वो रेलेवेंट हो उसके लिए प्रयास सभी सरकारें करती हैं। कंपनीज एक्ट पहले 1956 में था तो पूरी तरीके से लाइसेंस राज को बल देता था, उसको बदला गया 2013 में और कई सारे मेजर्स लिए जिससे उद्योग व्यापार को और बल मिल सके। उसमें भी समय समय पे कई सारे और बदलाव 2014 से 2022 तक लाए गए हैं जिससे आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ईज ऑफ लिविंग को हमने अपनी प्राथमिकता बनाते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है ये भी अपने आप में देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है, हम सब के लिए गर्व की बात, ये हम सबका सदन, आधुनिकता से पूरा युग और आगे भविष्य की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने वाला ये नया वास्तु, मैं समझता हूँ पूरे विश्व में एक भारत के लिए एक नई उत्साह और उमंग के साथ आगे जाने का एक संदेश पहुँचाएगा। ऐसे ही पिछले 2 महीनों में भारत मंडपम, जो पुराना प्रगति मैदान था, और एक द्वारका में स्थित नया यशोभूमि, दो और बड़े सेंटर्स का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये दोनों नए भारत के प्रतीक के रूप में देश को आगे लेके जाएंगे। अब हमारा देश विश्व स्तरीय फेयर्स, एग्जीबिशंस, कन्वेंशंस, कॉन्फ्रेंसेस कर पाएगा और उसका हमने जीता जागता एक स्वरूप G20 लीडर्स समिट में भी देखा। ये सब निर्णय अब इस देश को आगे लेके जाने के लिए समावेशी और एक प्रकार से पारदर्शिता के प्रतीक के रूप में लोगों की आशाएं अपेक्षाएं पूरा करने के लिए सबका प्रयास है और हम सब मिलके इस प्रयास में जुड़े, देशवासियों का विश्वास जीते और देशवासियों को एक कर्तव्य भावना से जो 5 फ्रंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में लाल किले से दिए थे कि हम सब 140 करोड़ देशवासी कर्तव्य भावना से देश की एकता और एकजुटता को संभालें,
देश को गुलामी की मानसिकता से निकाले, हमारे इतिहास से जो सीखने को मिला है, जो हमारे इतिहास में, हमारी परंपराओं में, हमारे जो रिच कल्चर और हेरिटेज, पारिवारिक वैल्यू सिस्टम्स हैं, उन सबसे जो हम सीखते हैं, उस सब को कर्तव्य भावना से आगे लेके जाएं, नारी शक्ति का सम्मान करें और एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हम सब संकल्प लेके आगे चलें। इस इच्छा के साथ इस सदन में भी ये आज का विषय हम सब चर्चा करें। हम सब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो एक संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषण था, जिसमें उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स आर ओपन, देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अच्छा वाक्य है जो हम सबको याद दिलाता रहते हैं कि आगे चल के भी ये सदन अपनी गरिमा रख के, इतिहास के पन्नों से बहुत कुछ हमें सीखने मिला, हमारे सबके अपने अपने अनुभव रहे, अच्छे अच्छे विचार आते हैं जब हम पुराने दिन इस सुंदर सदन में याद करते हैं, इस बहुत महत्वपूर्ण कक्ष में जो जो पल गुजारे हम सब ने मिलके, उन सबको जब यादगार के रूप में हम सवारे, लेकिन जब नए भवन में जाते हैं, नए वास्तु में जाते हैं, नई सोच के साथ इस देश की दिशा और दशा को नया रूप देने के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों की आशाएं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, हम सब संकल्प लेके प्रतिबद्धता के साथ नए सदन में प्रवेश करेंगे कल। उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और नए सदन में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।